ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। पिछले 10 साल में अकाली भाजपा के सरकार के दौरान हुए नाजायज पर्चे फर्जी पर्चों की जांच के लिए कैप्टन सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है और नया गांव के लोग क्या सोचते हैं इस कमीशन के बारे में, यही जानने के लिए हम नया गांव के लोगों के पास पहुंचे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से कैप्टन सरकार की तरफ से जो जाँच कमीशन का गठन किया गया है, क्या लगता है कितना सक्षम कदम है? बहुत अच्छा कदम है कैप्टन साहब, कैप्टन सरकार का। जिन्हें भी लोगों के नजायज परचे हुए हैं वो सारे कैंसल होने चाहिए हैं। देखो जी, जो कमीशन बनाया गया है अगर वो लोगों को न्याय दे, जो हम चाहते हैं, लोग पीड़ित हैं, आज तक हमारी सुनी नहीं गई, लेकिन अब हमें उम्मीद है कैप्टन सरकार से कि हमारी सुनी जाएगी। कोई थाने में जाए उसकी सुनाई नहीं थी होती, अब थाने अब ठीक हैं, अब ठीक हो गए क्योंकि सरकार बदल गई है। तो सियासी जो रंजिश के कारण पर्चे दर्ज करवाए जाते हैं? हाँ जी, ये सियासी रंजिश ही चलती थी। कैप्टन सरकार तो बड़ी उम्मीदा लाई भी हैं, जेड़ा ये गठन करया जी कमेटी का, ये कैप्टन सरकार ने बहुत बढ़िया उपराला करया। इस तो बड़िया उम्मीदा जो भी पर्चे करे हुए ये कैंसल होंगे, नजायज पर्चे हुए। आम पब्लिक की सुनवाई होनी चाहिए, जबकि अब उम्मीद है नई सरकार से कि आम पब्लिक की सुनवाई होगी। तो ये है नया गांव के लोग जो कि खुद भी जो फर्जी जो पर्चे हैं उनके पीड़ित हैं और ये मानते हैं कि अब कैप्टन सरकार द्वारा जो जांच कमीशन का गठन किया गया है उससे इनको थोड़ी उम्मीदें जरूर है कि जांच होगी और फर्जी मुकदमे जो खारिज होंगे। कैमरामैन जसवीर के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, नया गांव, मोहाली।